आप हमेशा एक स्पेसिफिक गोल के लिए बने हुए हैं। एक स्त्री की आइडेंटिटी सिर्फ उसका पति नहीं होता है। सबसे पहले मैं अपना कैरियर बनाऊंगी, सबसे पहले कैरियर। ना तो मेरे पास इंटरनेट था, ना ही न्यूज़पेपर इंग्लिश आता था वहाँ पे, ना ही मेरे पास स्मार्टफोन था, ना ही मेरे पास लैपटॉप था। बहुत मुश्किल था। जिस दिन मुझे सक्सेस मिल जाएगी उस दिन इन लोगों को जवाब मैं दूंगी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। यूपीएससी इज नॉट अ गारंटी। नमस्कार। हम ये सोचते हैं कि शादी हमारे जिंदगी को परिपूर्ण बनाती है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी एक एनआरआई से हुई, जो शादी के सिर्फ 15 दिनों के अंदर मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस करने का सोचा और वह उसमें सफल रही। मैं हूँ कोमल गनात्रा और आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से कार्यरत हूँ। मेरे बचपन में मेरी पढ़ाई गुजराती मीडियम में हुई। मातृभाषा में पढ़ाई करने का गर्व है मुझे, क्योंकि मातृभाषा ने मेरी सक्सेस में बहुत ही गहरा रोल निभाया है। जैसे कि मैंने पूरी यूपीएससी एग्जाम गुजराती मीडियम में दी और जिस साल मैंने क्लियर किया उस साल मैं गुजराती लिटरेचर की टॉपर थी। मेरे पापा टीचर थे, वो हमेशा हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाते थे। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मेरे दो छोटे भाई हैं जो आज अपने क्षेत्र में बहुत ही आगे पहुँचे हुए हैं, इसलिए क्योंकि पापा ने बचपन में ही हमें एम्बिशियस बनना सिखाया। मेरे पापा ने मुझे 4 साल की उम्र में ये सिखाया कि बेटा तू बड़ी होके आईएएस बनना। हालांकि हमारे एरिया में वहाँ पे यूपीएससी को लेकर जागरूकता आज भी बहुत कम है, तो उस साल उस समय में तो होती ही नहीं होगी। मैं बहुत छोटी सी थी, कुछ समझती नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि मेरे पापा मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। हमारे घर में बेटा बेटी को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। ये सब छोटी छोटी बातें बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी परवरिश की बातें ये डिसाइड करती है कि जिंदगी में बच्चा कहाँ तक आगे जाएगा। जब आप अपने घर में ही बेटा बेटी में कोई भेदभाव रखते हैं तो ये उनकी साइकोलॉजी पे बहुत ही इफेक्ट करता है। क्योंकि मेरे फादर ने मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस दिया, मुझे बोला कि तुम श्रेष्ठ हो, ये समझाया। हालांकि हर बाप के लिए अपना बच्चा श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। मैंने फिर ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ओपन यूनिवर्सिटी ने मुझे ये सिखाया कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप खुद पढ़ना शुरू करते हैं तब कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 3 भाषाओं में अलग अलग यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन किए। मैंने इंजीनियरिंग भी अपना डिस्टेंस लर्निंग से कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मैं कुछ भी सीखने को तत्पर रहती थी। मैं कहीं से भी कुछ भी मुझे मिल जाए मैं सीखने को तत्पर रहती थी। महज 1,000 रुपए की तनख्वाह से शुरुआत की थी छोटी सी स्कूल में पढ़ाने का। उस वक्त मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। मैंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस क्लियर कर लिया था। उस वक्त मेरी शादी एक एनआरआई से हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं जीपीएससी का इंटरव्यू दूं। मैंने हालात के साथ सारे समझौते किए। मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि उनको न्यूजीलैंड रहना था, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये इंटरव्यू नहीं देना है। मैंने सोचा ठीक है, हालात के साथ सारे समझौते किए कहीं कहीं से, क्योंकि मैं उनको प्यार भी करती थी। लेकिन क्या होता है जब आपको प्यार करने वाला इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, वो स्पेशली जब आपका पति है। न्यूजीलैंड जाने के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं किया। वो शादी के महज 15 दिनों के बाद न्यूजीलैंड चले गए थे। उसके बाद मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। शुरुआत में हालातों से समझौता करने की बजाय मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं उनके पीछे जाऊंगी, मैं उनको यहाँ लेकर आऊंगी। क्योंकि उस वक्त एकदम से मेरी दुनिया धमाडोल हो चुकी थी। मैं ये बता नहीं सकती अभी कि मैं उस वक्त क्या फील कर रही होंगी। वो इतना बड़ा झटका था जिसको समझाया नहीं जा सकता, उसको समझाने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इस प्रयास में मैंने न्यूजीलैंड की पूरी संसद को लिखा कि ऐसा क्यों है, कि मुझे इस कानून से भी बड़ा ही अचरज होता था कि ऐसा कैसे है कि आपका पति किसी और देश में है और आप उस देश में जा नहीं सकते।
मुझे ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध लगा। मैंने पूरी न्यूजीलैंड की संसद को लिखा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझे जवाब दिया, सब लोगों ने मुझे जवाब दिया, लेकिन क्या किसी इंसान को फोर्सफुली वापस लाया जा सकता है? और क्या किसी इंसान के पीछे भागना आपकी जिंदगी का मकसद हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। मुझे समझ में आया कि आप हमेशा एक स्पेसिफिक गोल के लिए बने हुए हैं और उस गोल को, उस क्षमता को आपको पहचानना होता है। किसी इंसान के पीछे भागना आपकी जिंदगी का लक्ष्य नहीं होता है। उस वक्त मुझे समझ में आया कि शादी आपको परिपूर्ण नहीं बनाती है और एक स्त्री की आइडेंटिटी सिर्फ उसका पति नहीं होता है, वो खुद अपनी आइडेंटिटी बनाएगी। बहुत सी सामाजिक मान्यताएं होती है, हम समाज में रहते हैं, समाज हमसे बना हुआ है, हम समाज का हिस्सा है, हमें सारी सामाजिक मान्यताओं को फॉलो करना चाहिए। मैं मानती हूँ, बहुत ही ज्यादा सोशल सिस्टम है, मैं मानती हूँ, लेकिन कोई भी सामाजिक मान्यता आपके अस्तित्व के भोग पे नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका अपना अस्तित्व, उसके बाद और कुछ। और मैं हमेशा से ये मानती आई थी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें अच्छा क्या हो रहा है। बहुत बड़ा झटका लगा था, टेंशन भी था, सिर्फ अपना ही नहीं, मम्मी पापा का भी, क्योंकि उनकी बेटी की दुनिया भी डमाडोल हो चुकी थी। उनको भी झटका लगा था कि एकदम से क्या हो गया हमारी बेटी के साथ। सारे परिवार वालों को, सारे समाज को आप क्या जवाब दोगे, क्या बोलोगे, कहाँ है आपका पति? उस वक्त मुझे लगा कि बचपन में पापा ने जो मुझे सिखाया है वो सपना पूरा करने का समय आ चुका है, और हालात भी थे, लेकिन वो डिसीजन इतना आसान नहीं था। डिसीजन के सामने, क्योंकि मैं सामाजिक नियमों से बड़ी दूर थी, मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता और करना क्या चाहिए था? सबसे पहले, सिंपली सबसे पहले डिवोर्स ले लो, आप बहुत बुरी जगह पहुंच चुके हो, पहले डिवोर्स ले लो, उसके बाद शादी के लिए सोच लो, उसके बाद आप समाज में सेटल हो जाओ। ऐसी सलाह लोगों ने मुझे दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि अब शादी वाले मामले में मुझे क्या करना है। मैंने हमेशा ये सोचा कि अब सबसे पहले मैं अपना कैरियर बनाऊंगी, सबसे पहले कैरियर, उसके बाद ही मेरी जिंदगी में कुछ भी होगा। मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का फैसला किया। जब फैसला किया, शुरुआत में मेरे पास नौकरी नहीं थी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तैयारी ऐसे ही नहीं होती है, लेकिन 2 साल बाद मुझे एक गवर्नमेंट टीचर की नौकरी मिल गई, जिसकी महज तनख्वाह 5,000 रुपये थी। मैं मेरे मम्मी पापा के गांव से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहने चली गई, जहां की बस्ती सिर्फ 15,000 थी, उससे भी कम। वहां पे ना तो मेरे पास इंटरनेट था, ना ही न्यूज़पेपर इंग्लिश आता था वहां पे, ना ही मेरे पास स्मार्टफोन था, ना ही मेरे पास लैपटॉप था, मैगजीन भी नहीं आते थे। मैं दुनिया के कंपटीशन से बहुत दूर अपनी तैयारियों में व्यस्त थी। मुझे नहीं पता था दुनिया में यूपीएससी को लेकर क्या कंपटीशन चल रही है, मैं वो कंपटीशन देखने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रखी। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, तो उस दौरान मैं 300 किलोमीटर अप डाउन करके अहमदाबाद अपना सब्जेक्ट सीखने जाती थी, हर सैटरडे संडे। मैंने इस एग्जाम के दौरान कोई भी छुट्टी नहीं ली, कभी नहीं। इवन यूपीएससी का मेंस, सिविल सर्विस मेंस, जो एक बहुत ही टफ एग्जाम माना जाता है, 9 पेपर होते हैं जो आपको 4-5 दिन में कंप्लीट करने होते हैं। उस वक्त मेरा सेंटर बॉम्बे था, मैं अपने गांव से, जहां पर रेलवे स्टेशन भी नहीं था, वहां से कहीं कनेक्ट करके मैं अपनी एग्जाम देने वुमन कोच में बैठ के एग्जाम देने बॉम्बे जाती थी। पूरी रात आपको बैठ के सफर करना है ट्रेन में और सुबह एग्जाम देनी है, फिर सैटरडे संडे एग्जाम देके फिर मंडे को स्कूल में वापस, स्कूल में काम करना है, मंडे टू फ्राइडे फिर से काम करना है, फिर से सैटरडे संडे आप एग्जाम देने जाओगे। इस तरह से हार्ड वर्क करके मैं अपनी एग्जाम तक पहुंची। जब दिल्ली में इंटरव्यू के लिए आई, तो मैं पहली बार दिल्ली आई थी यूपीएससी का इंटरव्यू देने, वो भी सैटरडे। मैंने स्कूल अटेंड किया था और मैं मंडे इंटरव्यू दे रही थी।
मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली, कभी भी कोई भी छुट्टी लेना ज़रूरी नहीं मानती मैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि यूपीएससी आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं पूछता है, वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पूछता है। प्रैक्टिकल आपको लाइफ में अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, वो तभी होता है जब आप वर्किंग हो। लेकिन यूपीएससी की वो तैयारियों के दौरान अपनी पेशेंस को बनाए रखना, एंजाइटी से दूर रहना, उन 5 सालों के दौरान इतना झटका लगने के बावजूद तैयारी में एकजुट रहना, अपने ध्यान को बनाए रखना, ये सब इतना आसान नहीं था उस वक्त जितना आज मैं बोल रही हूँ। वो बहुत मुश्किल दौर था, बहुत। लेकिन सच बता रही हूँ, वो मुश्किल दौर आज भी मिस होता है मुझे, क्योंकि, और मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे मुश्किल दौर बार बार मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि समस्याएं जब आपकी जिंदगी में आती है तो वो आपको सक्सेस दिलाने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है, वो कभी आपको पीछे नहीं धकेलेगी। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं तो थोड़े समय के लिए आपको बड़ी उलझन फील होती है, आपको लगता है कि हे भगवान अब कैसे होगा। लेकिन सफलता पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। मैं उस वक्त अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुकी थी, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जब आपके पास एक गोल स्पेसिफिक हो जाता है उस वक्त आपको अकेलापन नहीं लगता। मैं उस वक्त बहुत अकेली पड़ गई थी। धीरे धीरे माँ बाप का साथ भी छूट जाता है। कभी कभी मैं सैटरडे संडे भी अपने माँ बाप के घर नहीं जाती थी। मुझे ये भी ख्याल आते थे कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, मेरे पति कहाँ है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती रही उस वक्त कि जिस दिन मुझे सक्सेस मिल जाएगी उस दिन इन लोगों को जवाब मैं दे दूंगी। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, यूपीएससी इज नॉट अ गारंटीड। तो ऐसा क्या था जो मेरे को एकजुट करे रखा, ऐसा क्या था जिसने मेरे हौसले को बनाए रखा, क्योंकि ये सफर मेरे लिए यूपीएससी का सफर नहीं था, मेरे लिए ये सफर मेरे आत्मसम्मान को वापस पाने का सफर था। और एक स्त्री जब अपने आत्मसम्मान को वापस पाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक और भी चीज है, उस वक्त मेरा अपने आप पे भी बहुत भरोसा था। एक और चीज पे भरोसा था मेरा, वो है मेरी पॉजिटिव थिंकिंग। मैं दुनिया में किसी भी चीज को, जिंदगी में किसी भी चीज को इम्पॉसिबल नहीं मानती, कभी नहीं मानती। मैं ये मानती हूं कि जो आप सोचते हो आप बनते हो, थॉट्स बिकम थिंग्स। जिस दिन आप ये भरोसा अपने आप को दिला दोगे उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैंने अपनी जिंदगी में जो सोचा, जैसा सोचा, उसको पॉजिटिव तरीके से सोचा तो वो सच में पॉसिबल हुआ। और समाज जब आप कुछ नया कर रहे हो तब आप पे हंसता है, वो आप पे बिलीव नहीं करेगा जल्दी से, आपको आपका मजाक भी उड़ा सकता है। लेकिन जो नए रास्ते पे चलता है वही सफल बनता है। एक स्त्री को हमेशा एक ग्लासवेयर की तरह देखा जाता है। अगर वो घर के किसी कोने में सज गई और उसपे फूल लगा दिए गए तब तो उसकी हमेशा कीमत होती है। लेकिन अगर किसी भी हादसे से अगर वो टूट गई तब उसकी कीमत कुछ भी नहीं रहती। लेकिन अपने आप को किसी ग्लासवेयर की तरह मत बनाइए, उस आकार में से बाहर निकल जाइए। आपका एक अपना वजूद है, आपका एक अपना आकार है। और सफलता पाने के लिए मैं 3 चीजों को बहुत ही अहमियत देना पसंद करती हूँ। सबसे पहला डिटर्मिनेशन, आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा, कभी गिव अप नहीं करना है। जिंदगी में जो कभी गिव अप नहीं करता वही सफल होता है। दूसरी चीज हार्डवर्क, आपको बहुत हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है जिंदगी में। और तीसरा पेशेंस, उस हार्डवर्क के समय में भी आपको अपनी पेशेंस बनाए रखनी है, वो पेशेंस ही आपको आगे ले जाएगी। लेकिन
डोंट फॉलो एनीबडी, अपना अपना खुद का रास्ता बनाइए। किसी को फॉलो करने से वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा, आपका रास्ता आपके अंदर है, आपका खुद का अपना रास्ता बनाइए और उस पर आगे चलिए।